नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा हम रेलगाड़ी की शुरुआत करने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज से हम चालू करेंगे रेलगाड़ी। थोड़ा सा सुनिएगा, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। मेरे भाई, यूथ पब्लिकेशन 2024 बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ बुक का। इसके अंदर सबसे पहले मैंने अनुपात समानुपात चैप्टर कंप्लीट कराया था। इसके बाद हम किए थे घातांक करनी, जो कि प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एलिगेशन और मिश्रण को किए थे, ये भी हम कंप्लीट चैप्टर किए थे। इसके बाद आयु और साधारण ब्याज, इन दो चैप्टर को भी हम कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों चैप्टर में लगभग हम 150 क्वेश्चन कराए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी है, वो हम आगे दे देंगे। जैसे इसके क्वेश्चन रेडी होते हैं, हम इसकी वीडियो बनाकर भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलगाड़ी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। एसएससी हो या रेलवे हो, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाल दूरी का ही हिस्सा है रेलगाड़ी, ठीक है। और रेलगाड़ी इसमें स्पेशल पूछा जाता है रेलवे के हर पेपर में, ठीक है। तो यहां पे जो भी आप तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट हो गया, एएलपी हो गया, सभी के लिए रेलगाड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं रेलगाड़ी के, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ सवाल को करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो हमारे साथ क्वेश्चन लगाइए। लेकिन गुड्डू, कुछ नए बच्चे भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहूंगा, उसके बाद हम सवाल चालू करते हैं। देखो भाई, रेलगाड़ी में फंडा समझिएगा, रेलगाड़ी में सबसे बड़ी बात आती है चाल की। सबसे पहली बात आती है चाल की, तो ध्यान रखिएगा रेलगाड़ी में, है ना, ये सबके लिए लागू होता है। लेकिन अभी हम रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं तो हम रेल की बातें करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये रेलगाड़ी पहली है और ये रेलगाड़ी दूसरी है, ए और बी। तो अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चालें सदैव घटेगी। उनकी चालें सदैव घटेगी यानी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। और मैं बात करूं, ये रेलगाड़ी ए हो गई, ये रेलगाड़ी बी हो गई, तो आमने सामने से रेलगाड़ी चल रही है तो इनकी चालें सदैव जुड़ेगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। जो रेलगाड़ी पढ़े हैं उनको ये बात पता है, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना कि जब भी आमने सामने से एक्सीडेंट होता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। एक्सीडेंट तो ये भी खतरनाक होता है, लेकिन इस कंडीशन में चालें घट जाती है। जैसे इसकी चाल 100 है, इसकी चाल 120 है, तो ये घट के कितना हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसकी चाल अगर 100 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल हम लिख देते हैं 200 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आमने सामने से ट्रेनें आ रही है तो इनकी चालें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये बताइए 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर पर आवर। आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी देखो भाई, चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में और होती है मीटर पर सेकेंड में। ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यूनिट बराबर नहीं बनाएंगे ना तो सवाल में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिएगा, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे में एक किलोमीटर, और मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में एक मीटर, ठीक है। तो एक घंटे में एक किलोमीटर यानी किलोमीटर पर आवर, और एक सेकेंड में एक मीटर यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो ये बड़की होती है और ये छोटकी होती है, ये छोटकी चाल है और ये बड़की चाल है। तो समझना, जब भी हमें चाल को छोटका बनाना है, जब भी हमें चाल को छोटका बनाना है तो गुणा करेंगे 5/18 का, और जब भी हमें चाल को बड़ा बनाना है, जब भी हमें चाल को बड़ा बनाना है तो हम गुणा करेंगे 18/5 का। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये छोटी चाल है, छोटी बनाना है तो ऊपर छोटे का गुणा, और ये बड़ी चाल है तो बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़े का गुणा। यानी अगर आपको चाल को किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो गुणा करिएगा 18/5 का, और चाल को अगर मीटर पर सेकेंड में बनाना है तो गुणा करिएगा 5/18 का, ठीक है मित्र। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें हैं ताकि आपको पता रहनी चाहिए। दूसरी बात, अगली कहानी ये है मेरे भाई, लंबाई। लंबाई की बहुत मेन रोल होता है रेलगाड़ी के अंदर। ये चाल दूरी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रेलगाड़ी में अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना, रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, हम लिख देते हैं सदैव जुड़ती है, रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है। एक बात ध्यान रखना, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या खंबे को पार करे तो व्यक्ति और खंबे की लंबाई जीरो होती है, व्यक्ति और खंबे की लंबाई जीरो होती है, यानी जब रेलगाड़ी उन्हें पार करेगी तो वो नगण्य होगा। तो व्यक्ति की लंबाई और खंबे की लंबाई रेलगाड़ी के साथ नहीं जुड़ेगी। इसके अलावा जिसकी भी लंबाई होती है वो लंबाई रेलगाड़ी के साथ जुड़ेगी। जैसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, गुफा को पार करे, या खुद दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ये सब की लंबाई रेलगाड़ी से
से जुड़ती है। एक एग्जांपल देखिएगा, ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, वो रेलगाड़ी इधर से आ रही है, भैया एक ही पटरी पे नहीं आ रही है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो इनकी लंबाइयां क्या होगी, जुड़ेगी, किस समय जुड़ेगी वो देखो। मान लीजिए रेलगाड़ी इधर से जा रही है, तो ये रेलगाड़ी में क्या होगा कि ये ड्राइवर भाई साहब इस ड्राइवर को देखेगा, ये ड्राइवर इस ड्राइवर को देखेगा, और इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहां से यहां तक पूरी लंबाई हो गई। अरे बात समझ में, ये पूरी लंबाई हो गई, तो ये 200 मीटर और 100 मीटर कितना हो जाएगा, 300 मीटर। इस जगह जाके लंबाइयां जुड़ती है। अच्छा यहाँ पे देखो, इस प्रकार से दोनों अलग अलग पटरी पे चल रही है, ये रेलगाड़ी जा रही है। ये केस ऐसा होगा कि ये रेलगाड़ी चल रही है, इस ड्राइवर ने यहाँ पीछे जो व्यक्ति बैठा होता है उसको देखा, इस कंडीशन में उसने इसको देखा, इसने उसको देखा, क्या प्यार हो गया, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है, पूरी रेलगाड़ी हो गई, तो 300 मीटर और 100 मीटर कितना हो जाएगा, तो 400 मीटर हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए कहाँ जा रहा है, ये भी हो सकता है ट्रेन निकल गई और ये ट्रेन पीछे है। अब देखो, इस ड्राइवर के ड्राइवर ने इस ट्रेन के पीछे वाले व्यक्ति को देखा, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई सीधी बन चुकी है, 300 मीटर और 100 मीटर कितना होगा, 400 मीटर। सहमत हैं? चलिएगा आगे की कहानी। देखो भाई, ये बना दी मैंने पुलिया, क्या बना दी, पुलिया। तो पुलिया हो गई, तालाब हो गया, सुरंग हो गई, इस चीज को समझना। क्या होता है कि जैसे पुलिया बनाई जाती है, तालाब होता है, सबकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है। तो रेलगाड़ी जब पुलिया को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो इनकी लंबाई रेलगाड़ी के साथ जुड़ेगी। केस को समझना, इस पुलिया को हम थोड़ा सा छोटका कर देते हैं, समझिए, फिर हम सवाल चालू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये रेलगाड़ी गई, जैसी रेलगाड़ी पुलिया के अंदर जाइए, तो ये जो ड्राइवर होगा ना, सबसे पहले पुलिया को टच नहीं करेगा, कहने का मतलब सबसे पहले पुलिया को देखेगा। तो इस कंडीशन में 100 मीटर और 200 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर कितना होगा, 300 मीटर यहाँ पे भी होगा। या फिर एक और केस देखो, ये रेलगाड़ी अंदर चली, पूरी पुलिया हो गई, सब जनता ने अंदर आनंद उठाया, जैसे ही बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पीछे वाले दादा होंगे ना, ये इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इनकी लंबाई एक सीधी तौर पे हो जाएगी, और ये बताइए 100 मीटर और 200 मीटर कितना होगा, 300 मीटर हो जाएगा। सहमत है, कितना हो जाएगा, 300 मीटर। चलिए आगे बढ़े, तो मैंने आपको बता दिया है चाल का मीटर, एक ही दिशा में चालें कटती है, विपरीत दिशा में जुड़ती है। लंबाई की बात करें तो लंबाइयां सदैव जुड़ती है, व्यक्ति की लंबाई खंभे की लंबाई नहीं जुड़ेगी, बाकी रेलगाड़ी की लंबाई उसके साथ जुड़ेगी जिसकी लंबाई होती है, ठीक है। इंटरचेंज करना आपको आ चुका है, चलते हैं सवाल की ओर। और सवाल से पहले एक और चीज, एक फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से रटा हुआ होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको अच्छे से पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम समय को इधर ले जाएं तो चाल इधर आ जाएगी, समय की जगह चाल को भेजें तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है ना, इसी से बना है। देखिएगा, समय इधर आ जाएगा, चाल उधर चली जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, चाल अपनी जगह रहेगी, समय इधर आ जाएगा, तो चाल का यदि समय से गुणा होगा तो चाल गुणा समय किसके बराबर होगा, तो दूरी के बराबर होगा। तो एक ही फॉर्मूले से तीनों बने हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी जो भी चीजें होगी हम सवालों के साथ साथ करेंगे, ताकि कोई पहली बार वीडियो पे आया है तो भी उसको समझ में आना चाहिए कि आखिर में रेलगाड़ी में हो क्या रहा है। बाकी जो जो चीजें आएगी सवाल में, मैं सवाल के साथ साथ आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं सवालों की ओर, ये हर क्लास में हमको समझ नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा है कि हम सवाल ही उड़ाएंगे, है ना, लेकिन पहली वीडियो में जरूरी है बताना। देखो, क्वेश्चन ग्रुप भी 2022 में आया हुआ है, जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिएगा। थोड़ा गला खराब है, इस कारण से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, फिर भी अभी कोशिश करेंगे, एग्जाम पास आ गई है तो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर हम कवर कर पाए, और अधिकतम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम कवर करें, ठीक है। तो देखते हैं, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। हम तो एक बात जानते हैं,
क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 235 मीटर लंबे सुरंग को पार कर रही है। अभी बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग हो, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, नदी हो, सबके साथ जुड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा 725 के साथ हम जोड़ देते हैं कितना, 235। ये दोनों को जोड़ के देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 10 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, सही है क्या। कितना हो रहा है, 960, कितना हो रहा है 960। हमें चाल पूछी है, देखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, एक स्टेप में लेके आ जाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जो दूरी होगी, दूरी मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, ठीक है। तो दूरी जो है ना मेरे भाई, ये हो जाएगी 960, कितनी हो जाएगी 960, ठीक है। दोनों की लंबाई है जुड़ेगी, इसलिए जुड़ गई है, अगर व्यक्ति होता तो कुछ नहीं जुड़ता। आगे बढ़ते हैं, 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो भागा किसका देंगे, 48 सेकंड का। लेकिन अब थोड़ा सा होल्ड करिए, अगर इसको मैं काटता हूं तो मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, कारण ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो जब काटेंगे ना तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन पूछा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ऑप्शन को देख लीजिए। तो यानी इसको बड़का बनाना है, और बड़का बनाना है तो गुणा किसका करना पड़ेगा, 18/5 का, किसका गुणा करना पड़ेगा, 18/5 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको काटते हैं, तो 6 से काटते हैं, 6 3 18 और ये हो जाएगा 6 8 48, ओके। और किससे काटें, तो 8 से काट सकते हैं सर, 8 1 8, 8 2 16, पीछे फ्री की 0। और हम इसको 5 से काटें मेरे भाई, तो 5 से कट जाएगा सर, 5 2 10 और 5 4 हो जाएगा 20, 24 3 कितना होगा, 72, 24 3 होगा 72, 72 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्त। दोनों की लंबाइयां जोड़ दी हमने, भागा किसका दिया, सेकंड का, मीटर पर सेकंड, बड़का बनाने के लिए 18/5 का गुणा किया, 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लगा रहा हूं, उसको देखिएगा, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बोले सर दूसरा तीसरा नहीं कराओगे क्या, बिल्कुल कराएंगे भाई, कुछ भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, सब कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये टाइप देखो, इसको पढ़ो, इसने बोला है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, यानी चाल बड़ी दे रखी है, छोटकी करके बताना है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं 180 किलोमीटर पर आवर है, 180 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इसको छोटका बनाना है, तो छोटका बनाना है मतलब मीटर पर सेकंड में बनाना है, और छोटा बनाने के लिए किसका गुणा करते थे, अभी बताया था 5/18 का, इसीलिए आपको शुरू में समझाया था 5/18 का गुणा करेंगे, तो ये लीजिए 5/18 का हम गुणा कर दिए। काटते हैं, 18 से कटेगा 10 बार और 10 का 5 में गुणा होगा तो होगा 50, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब हम ये बोल सकते हैं एक सेकेंड में 50 मीटर, समझ गए, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मैं चाह रहा हूं कि आप टाइप वाइज समझे इसको, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे करके बता रहा हूं, ठीक है, बाकी सीक्वेंस से ही चलेगा, टेंशन मत लीजिए, जो भी लिखा है सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, वह 15 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। अब पता है सबसे बड़े मुद्दा क्या आता है इसमें, यूनिट बनाने का, समझना यहाँ पे, और मुद्दा समझो, मजा आने वाले बहुत ज्यादा, यूनिट का खेल आता है गुड्डू, यूनिट का खेल क्या होता है कि यूनिट को जब हमें बड़ा बनाना हो ना तो हम भागा देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं, और जब यूनिट को छोटा करना हो ना, समझिएगा, यूनिट को छोटा करना हो ना तो गुणा करते हैं। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कुछ को अच्छे से क्लियर भी होता है कि यूनिट को बड़का बनाना है तो भागा देते हैं, छोटका बनाना है तो गुणा करते हैं। जैसे कि सुनो, मेरे सामने लिखा है 30 मिनट, क्या लिखा है, 30 मिनट, मुझे बोला कि मिनट से छोटा क्या होता है, सेकेंड, तो इसको सेकेंड बनाता हूं, तो अगर मैं 30 में 60 का गुणा कर दूं तो पता है ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। बोलो सहमत हैं, क्या हो जाएगा, 1800 सेकेंड, ये लीजिए।
तो मैंने 60 का गुणा क्यों किया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब इसमें 60 का गुणा किया तो ये बन गया 1800 सेकंड। सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट। अच्छा यहाँ पे देखो 30 मिनट है, अगर मिनट में मैं गुणा ना करूं और 30 मिनट में मैं 60 का भागा दे दूं, 60 का भागा दे दूं, तो ये कट के आएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2। पहले देखो गुणा किए थे तो सेकंड बना, छोटका हो गया, भाग देंगे तो घंटे बन जाएगा, क्योंकि मिनट से बड़े क्या होते हैं, घंटे। तो ये बताइए क्या कहलाएगा, आधा घंटा, 1/2 आवर, आधा घंटा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि गुणा करोगे तो यूनिट छोटकी होगी और बड़ा बनाना है तो भागा देंगे। चलिए हमसे बोला है कितने मीटर दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी चाल में समय का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगी, दूरी मिलेगी। तो चाल है मेरे भाई 90, इस 90 को मैं छोटका बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके। पता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर 4 किलोमीटर पर आवर में है तो फिर दूरी भी किलोमीटर में आएगी, इस कारण से हम इसको मीटर पर सेकंड बना रहे हैं ताकि मेरा जो आंसर आए वो मीटर में आए। तो 90 में मैंने 5/18 का गुणा कर दिया, सहमत है आप इसके साथ? इसके साथ ही देखिएगा 5/18 का गुणा किया, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये 15 मिनट समय हो गया। देखो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, लेकिन और बदलाव करने पड़ेंगे। बोले काहे, 15 में आपको फिर से 60 का गुणा करना पड़ेगा। बाबू खिचड़ी बन रही है, समझना अच्छे से, ठीक है। ये क्या था, किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब मैंने 5/18 का गुणा किया तो ये चाल किस में बन गई, मीटर पर सेकेंड में। इसी के साथ ये काई में था, मिनट में, काई में था मिनट में, लेकिन जब हम इसमें 60 का गुणा किया तो ये काई में बन गया सेकेंड में। सहमत है, इसको काट देंगे आंसर आ जाएगा। तो मैं देखता हूं 18 5 90, 5 5 25, सहमत है, गुणा। उधर देखें तो 15 6 90, 15 6 90, 5 6 0 भी आएगी, 25 9 की 225, 25 9 की 225, और पीछे के 0 तो 2 0, ये आंसर आएगा मीटर में। मीटर में ही क्यों आएगा, क्योंकि सब यूनिट को हम छोटका बना लिए तो आंसर मीटर में ही आना है। 22,500 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्त। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको पढ़िए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी बताइए, एनटीपीसी 2021। अब वो सवाल में सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं क्रम से चल रहा हूं, सीक्वेंस से, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन छोड़ रखा है अभी, वो भी कराएंगे आपको, तो ये बनाना है, वीडियो रोक के बना के देखिए क्या आंसर आ रहा है। एक रेलगाड़ी 45 की चाल से चल रही है, 64 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। इसका पहला तरीका, चाल हमें दूरी निकालना है, दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या बताए थे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही बताया था। अब मजा आएंगे, देखो हमें बात करें चाल की, तो चाल है दोस्तों 45, कितनी है 45 गुणा। अब मैं 5/18 का गुणा नहीं कर रहा हूं, अब बोले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें आंसर निकालना था मीटर में, अब हम काई में निकालेंगे, किलोमीटर में, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। पहले मीटर में पूछा था तो मीटर में बताए, किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में बताएंगे, तो हमें यहाँ पे 5/18 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताइए 64 काई में है, सेकंड में, अब सेकंड में गुणा करेंगे तो वो तो और छोटका हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो, इस 64 में अगर मैं 60 का भाग दूं तो ये मिनट में बनेगा, और दोस्तों यदि मैं एक और 60 का भाग दे दूं, एक और 60 का भागा दे दूं, तो ये घंटे में बन जाएगा। देखो ये सेकंड था, एक बार 60 का भाग दिए मिनट बना, एक और बार 60 का भाग दिए क्या बन गया, घंटे में बन गया। अब काटने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं। 15 3 45, 15 4 60, और इसको 4 से काट देते हैं, 4 1 4, 4 6 24, और किससे काटें तो 3 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा 20 बार, और बताइए 2 से काट दें, 2 से 8 बार, और 2 से 10 बार, यानी ये हो रहा है 8/10। 8/10 का मतलब समझ गए, 0.8 किलोमीटर। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0.8 किलोमीटर, ठीक है दोस्त।
या फिर आप इसको छोटका बनाते तो भी सवाल हो जाता, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे होता देखो, 45 मैंने लिखा, 45 को मैं छोटा बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके। अब 5/18 का जब मैंने गुणा किया तो ये किस में बन गया, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड के साथ समय किस में होना चाहिए, सेकेंड में। वही हमें दिया है 64 सेकेंड, वही हमें दिया है 64 सेकेंड। अब देखो हम इसको काटते हैं तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 2 से काटता हूं 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। और बताइए, बस यहाँ पे देखते हैं तो 5 × 5 कितना हो रहा है, 25, 32 × 25, 32 × 25। अब यहाँ पे देखिए, 25 × 50 की 0 हासिल 5, और 25 × 3 = 75 और 5 कितना होगा, 80, यानी ये आ रहा है 800 मीटर। 800 मीटर को क्या कहेंगे, 0.8 किलोमीटर। बोले ये कैसे हो जाएगा बाबू, ये बताओ ये मीटर है, अगर इसको किलोमीटर बनाना है तो बड़का बनाना है तो भागा देंगे ना, किसका भाग देंगे, 1000 का। यदि मैं 1000 का भागा दे दूं, 1000 का भागा दे दूं तो 2 0 से 2 0, 0.8 किलोमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सहमत है? क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब यहां पे आपको यूनिट भी सही करना है, सवाल भी करना है। देखो दोस्तों, अगर मैं रेलगाड़ी की चाल पता करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 35 किलोमीटर पर आवर। ये रेलगाड़ी की चाल पता चल गई हमें। कैसे पता चली, इस लाइन को पढ़िए एक बार दिल से। देखो, उसने बोला है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, एक घंटा। लिखने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा इसमें, 60 मिनट का मतलब होता है एक घंटा। यानी कि हम ऐसा पढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय करती है। जब वो एक घंटे में 35 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना, ठीक है, ये चाल हो गई। हमसे क्या बोला है, 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गई 105, दूरी हो गई 105, और मेरे भाई ये बताइए चाल कितना हो जाएगी, 35। इसमें सबसे अच्छी बात है कि यूनिट को अभी चेंज नहीं करना। ये देखो, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको काटते हैं तो मैं देखता हूं 5 से 21 बार, और 5 से 7 = 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से काटे तो 7 × 21 हो जाएगा, कितना घंटा आएगा, 3 घंटे, ये मेरा आंसर होगा। 3 घंटे हमारा आंसर होगा, यानी 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। ऑप्शन देख रहे हो, सब मिनट में है, बहुत आसान है, 3 घंटे हैं। अभी बताया था कि घंटे से छोटा क्या होता है, मिनट, यानी इसको मुझे मिनट में बनाना है तो मुझे गुणा करना पड़ेगा। किसका करेंगे, 60 का गुणा। यदि हम 60 का गुणा करें तो 6 × 3 = 18 कितना होगा, 180 मिनट। 180 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पहला सवाल कंप्लीट हम करा दिए थे, दूसरा क्वेश्चन छोड़े थे, उसकी बात भी कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए या फिर उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए तो रेलगाड़ी समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी, समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी। इस सवाल में सबसे पहले हम चाल पता करते हैं। देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। देखो, रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, हम चाल पता करें उसकी तो यहां बोला है 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है, 24 मिनट में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो मिनट को यदि मैं 60 का भाग दे दूं
मिनट को यदि मैं 60 का भाग दे दूं तो ये हो जाएगा किलोमीटर, और ये हो जाएगा घंटे, तो ये क्या कहलाएगा? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटे। एक बात बताइए, 60 ऊपर जाके काई में आ जाएगा, गुणे में, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाते और 60 लिख देते हैं। लेकिन मैं पहले 60 लिखता तो आधों को कंफ्यूजन हो जाता, 60 का गुणा क्यों किया। लेकिन सुनो, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, मिनट को सेकंड नहीं बनाना, घंटे बनाना है, तो 60 का भागा देंगे, और 60 का भागा देंगे तो 60 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 6 से कटेगा 10 बार, और 6 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 5 बार, और ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रेलगाड़ी ने 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करी। उस समय उसकी चाल क्या थी? तो उस समय उसकी चाल कितनी थी? 50 थी। क्वेश्चन बोला है यदि 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाए, तो मेरे भाई जो नई चाल होगी ना वो होगी 55 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या सही होगी ये बताइए। पहले 50 थी और बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो गई, तो ये बताइए कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत हैं आप लोग? अब जब 55 हो गई है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? खूब मजे ले रहा है रेलवे ग्रुप डी वाला। इसमें देखो समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी वही है 20 किलोमीटर और जो अब चाल है वो हो चुकी है 55। क्या हो चुकी है? 55। अब देखो 55 इस चाल से कितना समय लगेगा, काट देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4/11 घंटे आंसर, 4/11 घंटे आंसर। अब बोले 4/11 घंटे तो दिख नहीं रहा है, तो देखा आपने, मतलब यूनिट का खेल चल रहा है, पूरा घुमाया जा रहा है इसके अंदर, बस सीधा सीधा 4/11 घंटे आंसर है। लेकिन ये बताइए आंसर पूछा काई में है, आंसर पूछा काई में है मिनट में, तो आप बताओ घंटे को मिनट आप कैसे बनाएंगे? 60 का गुणा करके, 60 का गुणा करके, तो 4/11 में हम 60 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240/11, 240/11 भागा देके बताते हैं आपको, 240 में 11 से भागा दे दें तो 11 × 2 = 22, क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा, 11 × 1 = 11, क्या बचेगा? 9 बचेगा। लाइन खींचिए, कितना बचा? 9, ये ऊपर रहेगा, किससे भागा दिए थे? 11 से, ये नीचे रहेगा। 21 सही 9/11 आंसर होगा, 21 सही 9/11 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्र, देख लीजिएगा इसको, और कोई समस्या आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, चौथे क्वेश्चन को भी हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, पांचवा भी कंप्लीट, और ये छठा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया था, 50 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। देखिएगा, दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 7:5 है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। बहुत ही शानदार, दो रेलगाड़ी हो गई ए और बी, ए और बी, इसकी चाल हो जाएगी 7x और इसकी हो जाएगी 5x, x नहीं बनाए फिर भी हो जाता, हम बना लिए सम्मान के थ्रू। देखो अभी बताए थे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे किस रेलगाड़ी के बारे में बात हो रही है? दूसरी रेलगाड़ी के बारे में, कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है ना उसका रेशो कितना है? 5x, तो हम लिखेंगे 5x, और ये वाली रेलगाड़ी 400 किलोमीटर चलती है, 400 किलोमीटर लिखेंगे के घंटे में, 4 घंटे में, तो 4 घंटे से भागा दे देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, पहली की बात हो रही होती तो पहली को बुलाते हैं, 4 से काटेंगे इसको 100 बार और मेरे भाई 5 से इसको काट देते हैं 20 बार, कितनी बार? 20 बार, 20 का गुणा यहाँ करेंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, हालांकि वो पता होगी आपको। देखो 20 का गुणा हम यहाँ करते हैं तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100, और 20 का गुणा हम यहाँ करें तो 7 × 2 = 14 यानी 140, तो 140 किसकी चाल होगी? पहली रेलगाड़ी की, और 100 किसकी चाल होगी? तो दूसरी रेलगाड़ी की। सहमत हैं? तो अभी हमारा आंसर क्या होगा? 140, क्योंकि हमसे पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इसको आप करिएगा RW, रफ वर्क, ठीक है। इसमें शायद एक आध क्वेश्चन छूट चुका है, स्कैनिंग में आया नहीं है क्वेश्चन नंबर 9, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो अगली क्लास हम करेंगे उसके पहले वाले पहली वेलिंग में हम 9 के क्वेश्चन को करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ठीक है। 10वां देखिएगा, इसमें शुरू में भाटे भाटे वाले सवाल हैं जो कि हम अंजाम दे रहे हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ट्रेन की चाल बताइए। दोस्तों बहुत ही शानदार सा तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा, बेसिक करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम ऑप्शन की मदद लेंगे। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 400 की चाल से चलती है, यदि वहां अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दे तो उसे 2 घंटे का समय कम लगेगा। सिंपल सी बात है, यदि मैं मेरी चाल बढ़ा दूं तो मुझे 2 घंटे कम लगेंगे, यदि मैं धीरे धीरे जाऊं तो मुझे 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी पता है ये 2 घंटे जो है ना, ये बाबू समय का अंतर है, समझो आप, ये समय का अंतर है। जब भी बोले अधिक कम, जहां भी तुलनात्मक बात हो, ये मैंने साधारण ब्याज में पढ़ाया है, ये सवाल नहीं, ऐसे तरीके अधिक कम, ठीक है। तो यहाँ पे तुलनात्मक बात हो रही है, तो तुलनात्मक बात हो रही है तो ये अंतर है, किसका अंतर है, समय का। तो देखो हम ऐसे बनाएंगे, समय जाने में लगा समय, चाल बढ़ाने के बाद वाला समय, और समय और समय का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो समय का अंतर ले रहा हूं मैं। अच्छा बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो वो 400 किलोमीटर गया x की चाल से, ऐसा मैं बोलता हूं डिफरेंस, फिर वहां उसी दूरी को तय करता है, लेकिन अब उसकी चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, यानी पहले x थी, अब x से 10 अधिक होगी, और ये दोनों का जो अंतर आएगा ना, वो 2 आना चाहिए। बस ऑप्शन रख के देखेंगे, सोल्व हो जाएगा। बेसिक भी कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इससे और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिक करोगे तो ये दोनों का LCM, फिर क्रॉस गुणा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, समझिएगा। समय और समय का डिफरेंस बराबर 2, क्योंकि पहले मेरी चाल कुछ और थी, बाद में मेरी चाल 10 बढ़ गई, तो पहले के अपेक्षा मेरी चाल जब बढ़ी है तो मुझे 2 घंटे का समय कम लग रहा है, तो ये 2 घंटे क्या है, समय का अंतर है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, पहले चाल x थी, बाद में 10 बढ़ गई, तो x प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन उठाते हैं एक चीज बताते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा होशियारी से काम करना, जैसे कि 400 में हम x का भाग देते हैं, मैं 45 लिख देता हूँ, तो ये बताइए 400 के नीचे 45 लिख देता हूँ, तो ये 45 है, तो 45 से 400 तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, देख लो आप काट के, 5 और 8 40, 5 9 45, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कट नहीं रहा है, तो फिर इधर कैसे कटेगा, वो कटेगा नहीं, तो फिर 2 कैसे आएगा, एक्यूरेट 2 कैसे आएगा, 45 नहीं हो सकता, है ना। जो भी संख्या होगी वो 400 को तो काटेगी, और जुड़ने के बाद इसको भी काटेगी, तभी तो अंतर 2 होगा, है ना। या फिर फ्रैक्शन में होता तो इधर फ्रैक्शन होता, इधर तो एक्यूरेट संख्या है 2। अब मैं उठाता हूँ 40 को, 40 से ही कटता है, हमें अच्छे से दिख रहा है, और 40 और 10 50 होगा, 50 से भी कटेगा, तो 40 अंतर हो सकता है। तो देखो 400 में हम भागा देते हैं 40 से, बताइए कितना आएगा, तो 10 आएगा, ठीक है। अब 400 में, अब मैं 400 में भाग देता हूं 50 से, सर 50 कहां से आया, 40 पहले हो गई, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, तो 50 से भागा देंगे 5 और 8 40, कितना होगा, 8 आएगा। ये दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, 10 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का, तो यानी कि 2 चाहिए था, 2 आ गया, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सरल लगेगा, NTPC 2021 में आया हुआ भी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करें तो इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगेगा। सेम टू सेम सवाल है, वो NTPC में आया था, JEE में आया हुआ सवाल है, मैं सेम टू सेम तरीके से करके आपको बता रहा हूं, देखिएगा।
हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन चेक कर लो, चौथा चेक कर लो, ठीक है, अपन सिस्टम से काम कर रहे हैं। देखो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगेगा, तो ये समय का अंतर है, समय है ना, और यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं समय, और ये दोनों समय का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो गुड्डू 2 होगा, सहमत है 2 होगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हो जाएगी 300 किलोमीटर और मेरी जो चाल है वो मैं मान लेता हूं x, यहां पे वही बात, दूरी हो जाएगी 300 किलोमीटर, चाल कितनी बढ़ा दी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 डिफरेंस किसके बराबर रख दें, 2 के बराबर, इतना तो कर सकते हैं ना। ये बताइए समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, अब देखो जो भी यहाँ आंसर आएगा उससे 300 तो कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, तो देखो मैं बात करता हूँ 30 से ये कटता है, तो देखो हम काटेंगे ना, यहाँ मैंने लिखा 300 में मैंने पहले ऑप्शन लिया 30 से ये कटेगा 10 बार, कितनी बार, 10 बार, अब मैं लिखता हूँ 300, अब यहाँ पे देखो 30 था, एक्स का मान 30, तो 30 और 5 35, क्या 35 से ये कटेगा, देखो तो 35 से हमें नहीं लग रहा कटेगा, यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे काट भी दो तो 5 6 30 और 5 7 35 60/7 आ रहा है, और इनका डिफरेंस लेने पे 2 तो कभी भी नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। अब मैं चूज करता हूँ किसको, 25 को, देखो भाई 25 से ये कटेगा और 25 और 5 30 30 से फिर कटेगा, इससे आंसर आ सकता है, देखो कैसे 300 फिर मैंने देखा 25 से भाग देता हूँ, 25 एकम 25, 25 दुना 50 कट जाएगा, अब फिर 300 में भाग देता हूँ किससे, 30 से, 30 कहाँ से आएगा भाई, 25 लिए है ना, तो 25 और 5 कितना होगा, 30 होगा, 30 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा, ये बताइए कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, मतलब देखो पहले लग रहे थे 12 घंटे, फिर लग रहे हैं 10 घंटे, कितने घंटे कम लग रहे हैं, 2 घंटे कम लग रहे हैं, वही तो बोला है 2 घंटे कम लगते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वंस अगेन ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, समय सेकेंड में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, आंसर मीटर में है, पूरे दुनिया में भवंडर है भैया, ऐसा ही में पूछा गया सवाल है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हम जानते हैं दूरी पूछी है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, अच्छा बताइए चाल कितनी है, 72 को मैं देखते से ही 5/18 का गुणा कर दूंगा, बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है और मैं 5/18 का गुणा करूंगा तो ये मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा, और हमसे पूछा भी आंसर मीटर में है तो छोटका ही बनाना है, गुणा समय कितना लिखूं, तो समय है 15 सेकेंड, समय है 15 सेकेंड, अच्छा क्या 15 में भाग दें क्या 60 का, नहीं सेकेंड है तो सेकेंड ही रहने दो ना, क्योंकि मीटर के साथ समय सेकेंड में चाहिए है ना, तो यहाँ पे हो चुका है कॉम्बिनेशन, काटे 18 चौक 72, 5 चौक 20, और 20 का गुणा इससे करें तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है 20 15 2 9 30, 300 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ऑप्शन नंबर दूसरा। देखो भाई मैंने जो चीजें समझाई है शुरुआत में उसको आप अच्छे से देखना, जो पहली बार पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, बाकी इसके क्वेश्चन हम कल से शुरुआत करेंगे अगली क्लास में, ठीक है वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे और टाइप वाइज चलेगा बिल्कुल क्रम से, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।